जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज यानी 30 अक्टूबर को मनाई जाती है। वैसे तो ये दिन सब दिन की तरह आम ही दिन है, लेकिन ठीक शाम होते ही ये दिन इतिहास का सबसे दुखद दिन बन गया। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज पूरा देश राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। साल 1948 में आज के दिन ही यानी 30 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि देशवासी आज के खास दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राजघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान पूरा देश बापू को याद कर दो मौन रखता है। महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था। ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अपनी हत्या से 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के उद्देश्य से महारैली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह गए थे। उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में जल रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक श्रद्धा और एकता का संदेश दिया था। बापू की पुण्यतिथि आज देश के तमाम नेता उन्हें याद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। वहीं अमित शाह ने भी बापू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, महात्मा गांधी जी ने हर भारतीय के हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की अलख जगाई। उनके विचार और आदर्श सदैव हर भारतवासी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने भी बापू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, शांति के दूत महात्मा गांधी का सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश आज भी गूंजता है। सत्य और समानता की उनकी खोज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। तो आइए हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बापू की पुण्यतिथि पर आप भी कमेंट कर श्रद्धांजलि दें। नमस्कार।